हे एवरीवन, आज इस तरह का क्रिएटिव फूड पोस्टर डिज़ाइन करेंगे फिग्मा में, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। अगर आप बिगनर हो तो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो चलो क्रिएट करते हैं। आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू पेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप न्यू डिज़ाइन फाइल सेलेक्ट कर लो इस तरह से। एक फ्रेम चूज कर लो, फ्रेम टूल सेलेक्ट करके कोई एक प्रीसेट चूज कर लो। मैं सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम पोस्ट चूज कर लेता हूँ। इसको पोर्ट्रेट बना देते हैं, इसका हाइट चेंज कर देंगे इस तरह से 30-50 कर देते हैं हाइट को। इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल मैं फिग्मा में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि फिग्मा फ्री है और फोटोशॉप पेड है। बिगनर के लिए अच्छा रहेगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलो कंटिन्यू करते हैं। आप फिग्मा का बैकग्राउंड चेंज कर लो ताकि प्रॉपर आपको कलर दिखे। अब इस फ्रेम का कोई एक नाम, मैं एक नाम चूज कर लेता हूँ, इस तरह से टाइप कर लेता हूँ। ओके, आप मैं कलर पहले से कॉपी करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। फ्रेम को सिलेक्ट करके इसका मूव टूल को सिलेक्ट कर लो इस तरह से। उसके बाद कलर फिल में जाके आप इसका ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लो इस तरह से। इस डिज़ाइन का प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वो लॉक है। अगर आप चाहते हो वो अनलॉक हो तो इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं उस फाइल को अनलॉक कर दूँगा, आप आराम से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लो फ्रेम को। आप इसका कलर पिक कर लो इस तरह से, पहले ऊपर वाला कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, इसे कट करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आना इस तरह से। उसके बाद एक और ग्रेडियंट बीच में सेट कर दे इस तरह से कलर। उसके बाद आप शेप टूल में सेलेक्ट करके इमेज को आप प्लेस कर लो इस तरह से। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल शेप ले लो, एक शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। अब पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप वॉच करो। इसे हाइड कर देते हैं कलर फिल को। उसके बाद स्टॉक में जाके आप इनसाइड में रहने देना, का विथ थोड़ा बढ़ा दो, कलर चेंज कर लो इस तरह से। मैं इस तीसरा कलर को पिक कर लेता हूँ इस तरह से। अगर आप चाहते हो कलर कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डाल दूँगा। ओके, एक और से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर दो, ऊपर वाला ही कलर इस तरह से। ओके, फ्रेम के जैसा क्रिएट हो गया। तरह से इमेज को ऊपर लेके जाते हैं, शेप के ऊपर प्लेस कर देते हैं इस तरह से। इस कलर कोड को हाइड कर देते हैं, इसका ग्रुप बना के हाइड कर देते होगे। उसके बाद आप फिर से इस शेप को, रेक्टेंगल शेप को डुप्लीकेट कर लो कमांड डी करके,
उसके बाद ऊपर इसे प्लेस कर दो इस तरह से, प्लेस कर दो। बाकी ऊपर बाकी लेयर को लॉक कर दो ताकि इधर उधर मूव ना हो। कमांड प्रेस करके रखना होगा और इसे यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल लाइन में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसे भी लॉक कर दो, देखो इस तरह से हो गया। अब एक शैडो क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, पेन टूल सेलेक्ट करके। ओके, स्ट्रोक को हाइड कर देते हैं। कलर फिल में जाके सेलेक्ट करके कलर फिल को इसका ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसका कलर चेंज कर देते हैं को प्रॉपर ब्लैक में लेके सेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ओके, इसका ओपेसिटी को इस तरह से रिड्यूस कर देंगे, इसका ओपेसिटी को 69 या अपने हिसाब से देख लो, जैसा रखना आप देख। इफेक्ट में जाके इसका लेयर ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में जाके इसका ब्लर को इंक्रीज कर दो इस तरह से। ओके, बैक में सेलेक्ट कर देते हैं इस तरह से, इसे भी लॉक कर देते हैं। फिर से एक रेक्टेंगल शेप लेके इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, आप कलर फिल में जाके इसका कलर चेंज कर लो, आप ऊपर वाले कलर को यहाँ प्लेस कर दो। ओके, उसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करके एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपका शेप का कलर उसे भी उसे ही प्लेस कर लो। इसका विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं 4 पे, इसको फ्रेम में ले आना इस तरह से ताकि फ्रेम में रहे। ओके, एक टेक्स्ट ले लेते हैं इस तरह से, आपको जो टेक्स्ट डालना है आप टाइप कर लो इस तरह से। उसके बाद मूव टूल को स्केल टूल में सेलेक्ट कर लो, से फॉन्ट को इस साइज बढ़ा लो। ओके, इस तरह से साइज इसका सही करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करो, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका फॉन्ट चेंज कर लो इस तरह से, कुछ जो फॉन्ट रखना आप रख सकते हो। इसका मैं इस फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर देते हैं इस तरह से। ओके, उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। मैं एक ओवरले ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि आप देखो अच्छा सा एक लुक आ गया। आप इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लो, कमांड डी करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब बाकी लेयर को लॉक कर दो। इसका टेक्स्ट चेंज कर लो फटाफट, आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हो मैं टाइप कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा जूम करके का साइज को चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लो इस तरह से। टेक्स्ट को का डुप्लीकेट करना है, कमांड डी करके उसके बाद इसके नीचे ले आना इस तरह से। फिर टेक्स्ट आप चेंज कर दो इस तरह से। फटाफट टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जो भी आप अपने हिसाब से जो टेक्स्ट डालना आप डाल सकते हो, मैं चेंज कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, इस तरह से आप देखो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा लुक आ रहा।
अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप बताओ नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए, आप ज़रूर बताना। चलो ओके, डुप्लीकेट कर लो टेक्स्ट को, इसको बाकी को लॉक कर दो, बाकी बाद इसको लॉक ओपन करके यहाँ पे प्लेस कर लो। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, उसके बाद आप दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर दो इस तरह से। ओके, ये थोड़ा सा बीच में खाली खाली दिख रहा है, मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करके एक लाइन शेप में क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्मोक इफेक्ट डाल देते तो अच्छा लगता, तो मैं एक स्मोक ले लेता हूँ। स्मोक का पीएनजी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस तरह से। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इस तरह से, इमेज में सेलेक्ट करके आप कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लो इस तरह से। ओके, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। इसका ओपेसिटी को थोड़ा रिड्यूस कर देते इस तरह से ताकि अच्छे से दिखे। ये आपका डिज़ाइन रेडी है, और फ्रेम को सेलेक्ट करो, उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हो इस तरह से आपका डिज़ाइन रेडी है। अभी PNG सेलेक्ट है, मैं JPG में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका आप 2x पे सेलेक्ट कर लो आप अपने हिसाब से। डन, ये आपका डिज़ाइन रेडी है, ये आपका फाइनल लुक है। आप प्रीव्यू देख सकते हो। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए आप बताओ कमेंट में। ओके, थैंक यू।